हेलो एवरीवन, एनी टाइम शोज पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कम तेल में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा नाश्ता, जो कि आप बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है, टेस्टी है, चटपटा है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है। बड़ी ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ये एकदम ही परफेक्ट रहेगा। तो आप भी एक बार ये नाश्ता इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें। तो चलिए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर ली है ये 1 कप सूजी, और ये जो है बारीक वाली सूजी है। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी का भी यूज कर सकते हैं। 1 कप सूजी में हम डालेंगे 1/2 कप दही, और दही को इसमें हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर हमने 1 कप सूजी में 1/2 कप दही मिलाया है, और अब जिस कप से हमने सूजी ली है उसी कप से हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और इस तरह का बैटर हमें बनाना है, और इसमें किसी भी तरह की कोई गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे और 25 से 30 मिनट तक के लिए फर्मेंट होने के लिए इसे छोड़ देंगे। ये देखिए, इतनी देर में सूजी ने पानी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है और बैटर जो है पहले से थोड़ा गाढ़ा होने लगा है। तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाना है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर बिल्कुल नहीं बनाना है। तो थोड़ा सा पानी मिलाएंगे इस बार और फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियों को क्रश करके लिया है, तो ये क्रश किया हुआ लहसुन इसमें डाल देंगे। लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और फिर ये 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने डाली है। अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये हरी मिर्च डालना आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर ये 1 बारीक बारीक कटा हुआ प्याज डाला है मैंने। आप इसमें चाहे तो अपनी पसंदीदा और भी सब्जियां यूज कर सकते हैं। मैं इसमें अब डाल रही हूँ ये 1 टीस्पून जीरा, साथ ही साथ ये 1 टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्च डाल रही हूँ मैं। अब इस नाश्ते को एकदम स्वादिष्ट और स्पेशल बनाने के लिए इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये ओरिगेनो सीजनिंग का, जो कि एक इटालियन हर्ब है, और इससे इस नाश्ते का फ्लेवर और टेस्ट डबल हो जाएगा। तो लगभग 1/2 टीस्पून ओरिगेनो का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार, और अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला लेंगे, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। इसमें ओरिगेनो की जगह पर आप चाहें तो गरम मसाला पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारा बैटर बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार है, और इसकी कंसिस्टेंसी हमें इस तरह की रखनी है, ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम हमारे नाश्ते को तैयार करते हैं, जिसके लिए मैंने तवे को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रखा है, और थोड़ा सा तेल हम इस पर इस तरह से ब्रश कर लेंगे। बहुत कम तेल का इसमें हमें यूज़ करना है। अब हमें तवे को अच्छे से गर्म करना है जब तक कि इसमें से अच्छी सी हीट ना आने लगे, और जैसे ही तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा ये जो बैटर हमने बनाया है ये लगभग 2 चम्मच हम इसमें इस तरह से डाल देंगे। याद रखिए कि हमें धीमी आंच पर ही तवे को अच्छे से गर्म करना है, और इस चीले को हम इस तरह से स्पून की मदद से फैला लेंगे, और पतला करते हुए हमें इसे फैलाना है, और इसकी साइड्स को हम हो सके तो बराबर शेप देने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसे इस तरह से फैलाने के बाद हम 2 मिनट तक इसे इसी तरह से पकने देंगे, और जब ये नीचे से पक जाएगा तो ऊपर से भी दिखने लगेगा। तो इसके किनारों पर हम हल्का सा तेल लगा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर जब ये ऊपर से इस तरह से पक जाए और इसके किनारों पर भी हल्का हल्का सा कलर चेंज होता हुआ दिखे, तभी हमें इसे पलटना है। तो इस तरह से स्पैचुला से पहले हम इसे तवे पर से छुड़ा लेंगे काफ़ी केयरफुली, नहीं तो ये टूट सकता है क्योंकि ये अभी सॉफ्ट है। ये देखिए, और धीरे से हम इसे इस तरह से पलट लेंगे, और दूसरी साइड से भी हमें इसे अच्छे से सेकना है। हम इसे दोनों ही साइड से अलटते पलटते हुए अच्छे से सेकेंगे, जिससे जो लहसुन है वो अच्छे से इसमें पक जाएगा और उसमें कच्चा टेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर जो सूजी गार्लिक चीला हम बना रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी बनता है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है इसका। अब एक बार फिर से हम इसे पलट लेंगे और फिर से इसे अच्छे से सेकेंगे। दोनों ही साइड पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए, और
अगर आपको क्रिस्पी खाना पसंद है तो आप इसे क्रिस्पी भी सेक सकते हैं, क्रिस्पी कर सकते हैं इसे। ये देखिए अब ये एकदम अच्छे से तैयार है, तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ, ये देखिए। तो काफ़ी एहतियात से हम इसे फोल्ड कर लेंगे क्योंकि अभी ये काफ़ी गर्म होता है, ये देखिए। और बिल्कुल अब ये तैयार है सर्व करने के लिए, गर्मा गर्म खाने के लिए। तो जल्दी से इसे हम खाने के प्लेट में रख लेंगे। और ठीक इसी तरह से हम सभी सूजी गार्लिक चीले बनाकर तैयार करेंगे। तो तवे पर फिर से हम थोड़ा सा तेल इस तरह से लगा लेंगे, और यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें कि तवा धीमी आंच पर अच्छे से गर्म होना चाहिए, और तभी आपको इस पर ये चीले इस तरह से बनाने हैं, नहीं तो फैलाते टाइम पर चीले टूटने लगेंगे और फैलाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी। इसके बाद भी अगर फैलाते हुए चीले टूट रहे हैं तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आपको स्पून से थोड़ा सा बैटर इस तरह से इस पर डाल देना है और इसे फैला लेना है, तो चीले बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और बात, आप अगर नॉनस्टिक तवा यूज़ करेंगे तो ये और भी आसानी से बन जाएंगे। तो ये देखिए हमारा ये चीला भी अब अच्छे से तैयार है, दोनों ही साइड से ये अच्छे से सिक चुका है, तो इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और जल्दी से हमारा ये कम तेल वाला टेस्टी चटपटा सूजी का नाश्ता सर्व करेंगे। इस तरह से ये हमारे टेस्टी चटपटे सूजी गार्लिक चीले बनकर तैयार है खाने के लिए, जिसे आप अपनी पसंदीदा चटनी के साथ, दही के साथ या टोमेटो केचप के साथ खाएं या इसी तरह से खाएं, सबको खाने में ये बहुत पसंद आएंगी क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और काफ़ी हेल्दी है ये, तो सबको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ETMishes को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस टेस्टी नाश्ता एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ETMishes।